हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका अपना चैनल में स्वागत है आप सभी का। आज मैं द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पेज का रिव्यू लेके आया हूँ, डेट 28 दिसंबर 2018 का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारे पास चार पांच आर्टिकल हैं। तो सबसे पहला जो है वो डार्क प्लेसेस। डार्क प्लेसेस में बताया गया है किस तरीके से मेघालय में माइनिंग ट्रेजरी जो हुई है, जहाँ पे पहले सरकार ने वहाँ वार्निंग दे चुका था कि वहाँ से माइनिंग नहीं, माइनिंग एक्सट्रैक्शन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वहाँ इलीगल तरीके से माइनिंग की जा रही थी। इसीलिए वहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो किसी वॉल को वहाँ ब्रेक कर दिए, जिसके वजह से वो लोग फंस गए, क्योंकि वहाँ वाटर फ्लो इनफ्लो होने लगा, जिसके वजह से वो लोग नहीं निकल पाए। तो ये मामला है। तो इसके लिए वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी उन्हें बचाने का बचाना चाहा, लेकिन वहाँ पे माइनिंग क्योंकि बंद हो चुकी थी, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे उनको सेफ निकालने के लिए। अभी भी वो काम जारी है। उम्मीद करता हूँ लोग यहाँ पे एक फुल फॉर्म एक समझ लीजिए, DGMS है, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, जो माइंस के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, जिन्होंने झारखंड के कई इलाकों में और मेघालय और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों को माइनिंग एक्सट्रैक्शन करने से रोका है। नेक्स्ट जो है वो मणिपुर फेयर्स। मणिपुर में जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, बीरेंद्र सिंह जिस तरीके से कर रहे हैं, वहाँ के चीफ मिनिस्टर है बीरेन सिंह, तो ये कैसे एक वांगखेम सरनेम में उनका वो है न्यूज़ रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने ये कहा था कि बीरेन सिंह ने झांसी के रानी का जिक्र किया था। तो इन्होंने ये बताया था कि झांसी की रानी का मणिपुर से कोई रिलेशन नहीं है, और आप उन्हें ऐसे ही बेकार में बता रहे हैं। और उनका ये भी कहना था कि आप मोदी के पपेट हैं, तो किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना ये हक होता है किसी रिपोर्टर का। इसीलिए उन्होंने जो है वांगखेम जो है ये रिपोर्टर, उन्होंने कहा था कि वो जो है चीफ मिनिस्टर हैं वो पपेट है, मोदी के पपेट है हिंदुत्व के। तो वही उन्हें अच्छा नहीं लगा और उन्हें जेल में डाल दिया गया, और NSA के तहत उन्हें 12 महीने की सज़ा सुना दी गई है। तो वही वहाँ के जो रिपोर्टर हैं, वहाँ के जो न्यूज़ चैनल्स वाले और जो भी हैं, तो वो सब जर्नलिस्ट ने सब मिलके ये आवाज़ उठा रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी रिपोर्टर से उनका हक छीनेंगे तो ये सही बात नहीं है, जो कि सही भी है, क्योंकि वो फोर्थ पिलर होता है हमारे नेशन का, हमारे डेमोक्रेसी का। और NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, तो इसी के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है। उम्मीद करता हूँ उन्हें भी जल्दी छोड़ दिया, रिहा कर दिया जाएगा। और बीजेपी के बीजे अब 2019 में इलेक्शन आने वाले हैं, तो उम्मीद करता हूँ बीजेपी के कोई भी नेता इस तरीके के काम में शामिल ना हो। नेक्स्ट है द डायमंड रिंग। द डायमंड रिंग में बताया गया है, इसमें एक अस्मिता नाम की एक वुमेन है, उनका इंटरव्यू लिया गया है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से 31 दिसंबर को, जैसे कि 31 दिसंबर आने वाला है, तो 31 दिसंबर में आप भी हम भी सभी लोग पार्टी करते हैं, तो पार्टी में दारू बियर ये सब चलती है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट चलती है। तो क्योंकि गुजरात जो है वो ड्राई स्टेट है, तो उन्हें अस्मिता को अभी भी डर लगता है कि वो ड्राई स्टेट है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है लोग दारू पीते हैं। और वहाँ के पुलिस कमिश्नर ने भी ये बात की है कि बताया है कि हम इसके पूरी तरीके से मतलब सेव करेंगे सिटी को ड्राई सिटी रहने के लिए, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं हो पाता है। यहाँ तक अस्मिता कहती हैं कि रास्ते पे उन्हें ये भी कहा जाता है कि आप इतने छोटे कपड़े क्यों पहनी हैं, जो कि अगेंस्ट है, क्योंकि इंडियन किसी डेमोक्रेसी किसी भी आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो आपको इतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए।
नेक्स्ट जो है द सेफ्टी नेट ऑफ द फ्यूचर। द सेफ्टी नेट ऑफ द फ्यूचर में आपको बताया गया है इनसिक्योरिटी मोर देन पॉवर्टी एंड इनडेबनेस इज की इकोनॉमिक इशूज दैट पॉलिटिशियन मे एड्रेस। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि किस तरीके से जो लोन वेवर है उनको माफ़ कर दिया जा रहा है, लोन माफ़ कर दिया जा रहा है जो कि बैंकिंग के अगेंस्ट है, क्योंकि बैंकर्स यही काम करते हैं, उन्हें लोन देते हैं और उनसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तभी बैंकिंग सिस्टम चलता है। तो इनका ये कहना है कि आप जो इंस्टेंट बेनिफिट दे रहे हैं पब्लिक को कि आप उनके लोन माफ़ कर रहे हैं, तो चलिए उस टाइम तो आपको वोट मिल जाएगा, लेकिन क्या इसका कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? नहीं। आप कब तक आप इस तरीके से आप उनका लोन माफ़ करेंगे? इससे बेटर ऑप्शन उन्होंने ये सुझाया है कि आप वहाँ पे डेवलपमेंट करें, आप वहाँ पे जो है पानी मुहैया कराएं, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज बनवाएं, वहाँ पे उनका सप्लाई चेन को मैनेज करें जिस तरीके, ताकि उनका जो है फूड ग्रेन्स या फिर वेजिटेबल्स उनका वेस्ट ना हो और उनको ऑप्टिमम प्राइस मिले। उनका ये कहना है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अगर आप फार्मिंग से रिलेटेड अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट जो है द नंबर डोंट एड अप, ये यहाँ पे आधार कार्ड के बारे में बताया गया है। द पॉसिबिलिटी दैट आधार नंबर कैन बी मिसयूज्ड इज़ नॉट थ्योरेटिकल। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो आधार कार्ड के नंबर्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि किस तरीके से आधार का मिसयूज़ किया गया है, ये थ्योरेटिकल नहीं हो सकता है। इन्होंने कई आंकड़े भी दिए हैं कि इतने इस 2010 से लेकर 2017 तक इतने आधार कार्ड रजिस्टर्ड हुए हैं, और यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है कि एलपीजी कनेक्शन से भी कनेक्ट है इतने लोग, जिसमें 37.21 लाख कंज्यूमर जो हैं वो एलपीजी गैस सब्सिडी से कनेक्टेड हैं, जिसमें गवर्नमेंट को 167.8 करोड़ ईयरली देना पड़ता है सब्सिडी। तो यही सब इनका कहना है कि आधार कार्ड जो है वो फेक तरीके से तो ये नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये नंबर्स देख के पता ऐसा नहीं लगता है कि हाँ भैया फेक तरीके से हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में कुछ भी हो सकता है। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ अगर और हाँ कमेंट में बताएं कि क्या बुरा लगा जिससे मैं सुधार कर सकूँगा। धन्यवाद।